हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलमी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम अल्ट्रा वेजिटो को देखते हैं। अल्ट्रा वेजिटो उस डीवन की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और वहीं पर वो डीवन भी काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे ही वो दोनों आपस में मिलते हैं, हम देखते हैं कि दोनों के फिस्ट आपस में टकराते हैं। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को पूरी टक्कर देने की कोशिश कर रहे होते हैं और दोनों में से एक भी वॉरियर हार नहीं मान रहा होता। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को पीछे ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वेजिटो उस डीवन से बोलता है कि शायद तुम एक बच्चे जैसे दिखते हो, पर तुम एक रियल मैन की तरह पंच मारते हो बहुत अच्छे। इसी तरीके से लड़ते रहना मेरे साथ। तभी वो डीवन एकदम से खुश हो जाता है। वो डीवन बोलता है कि तुम भी उतने ही ज़्यादा मज़ेदार हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। और इसके बाद फिर से उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और जैसे ही वो दोनों आपस में टकराते हैं, वैसे ही जगह जगह ब्लास्ट हो रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है इस डीवन का सामना करने में। वहीं पर ये डीवन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होता है इस डीवन का सामना करने में। वहीं पर यह डीमन वेजिटो को डोमिनेट करने लग जाता है। पर इसके दूसरे ही पेज में हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पर वो स्माइल वापस से लौट आती है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो के पास एक प्लान है। वेजिटो बोलता है कि बहुत अच्छे बच्चे, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतनी अच्छी टक्कर दे पाओगे। तुम कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं लगते, इसलिए मैं तुम्हें पूरी रिस्पेक्ट देता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मिलो के साथ लड़ने के बाद मुझे इस तरीके का चैलेंज मिलेगा। ज़रा तुम ये बताना कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो डीमन ये सुनकर फिर से खुश हो जाता है। वो डीमन बोलता है कि तुम तो मुझे अब ब्लश करवा रहे हो मिस्टर, मेरा नाम है किंची और अपना नाम मुझे तुम्हें बताकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है गॉड किलर। तभी वेजिटो बोलता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई किंची, पर दुख की बात तो ये है कि मुझे इस मीटिंग को अभी और इसी वक्त ख़त्म करना होगा। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है, वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो अपने चारों हाथ में स्लेयर ब्लेड बना लेता है। ये वेजिटो ने इस सीरीज में पहली बार किया हुआ होता है। वेजिटो बोलता है कि इस मीटिंग को कंटिन्यू रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ खास होना चाहिए किंजी। इस छोटे से नाइफ से तुम मुझे नहीं हरा सकते, इससे बेहतर तुम्हें करके दिखाना होगा। तभी वो डीवन बोलता है कि अच्छा ये बात है, तो तुम मुझे दिखाओ ना कि तुम क्या कर सकते हो। वो डीवन एकदम से अपने नाइफ को लेकर बढ़ रहा होता है वेजिटो की तरफ। वहीं पर वेजिटो इस चीज़ को सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं कुछ करके दिखाऊँ तुम्हें, जैसे तुम्हारी इच्छा, बस अपनी पल के मत झपकाना, ये एक ही फ्लैश में हो जाएगा। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है, वैसे ही वेजिटो एक अटैक कर देता है उस डीवन के ऊपर। पर वेजिटो का अटैक उस डीवन को फिर से नहीं लगता और वो डीवन फिर से अपने आप को स्प्लिट कर लेता है और वो डीवन फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वो डीवन बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, पर मुझे हराने के लिए तुम्हें इससे भी ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा मिस्टर। वो डीवन एकदम से वेजिटो के पीछे आ जाता है, जिस चीज़ को वेजिटो भी नोटिस कर लेता है। वेजिटो बोलता है कि तुमसे भी तेज़, तुम तो कब से बस मेरे से भाग ही रहे हो और मैं इस चीज़ से थक चुका हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम इस फाइट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हो। तभी एकदम से वेजिटो किसी चीज़ को देखकर हैरान रह जाता है और वेजिटो देखता है कि वो डीवन एकदम से वेजिटो के ऊपर अटैक कर देता है। वो डीवन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना तेज़ होने के लिए। वो डीवन एकदम से वेजिटो का सिर धड़ से अलग कर देता है और इस चीज़ को देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। उस डीवन के हाथ में वेजिटो का सिर होता है और वेजिटो की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खून बाहर आ रहा होता है। वो डीवन बोलता है कि मैंने ऐसा कैसे किया मिस्टर, तुम्हारा सवाल यही था ना, तो थोड़ा नज़दीक से आके बात करते हैं। वेजिटो अभी भी उस डीवन के स्पीड से काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि वो इतना तेज़ नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है, वैसे ही वेजिटो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वेजिटो के मुंह से काफ़ी सारा खून निकल रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटो का खेल ख़त्म हो चुका है। पर इसके दूसरे ही पेज में वेजिटो एकदम से हंसते हुए अपनी आंखें खोलता है और वेजिटो का सिर एकदम से फट जाता है। और इस तरीके की चीज़ को होता देख वो डीवन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो डीवन बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटो को इतना टाइम चाहिए होता है अपना दूसरा सिर उगाने के लिए। वेजिटो एकदम से बू के एबिलिटीज का इस्तेमाल करके फिर से अपना दूसरा सिर उगा लेता है और देखते ही देखते वेजिटो फिर से पहले जैसा हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि बहुत लोगों ने मेरे हाथ और पैरों को अलग किया है, पर यह पहली बार ही हुआ है कि किसी ने मेरा सिर अलग किया है। पर यह बुरा नहीं था बच्चे, पर तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि चाहे तुम मेरे कितने भी ज़्यादा टुकड़े कर दो, मेरा हर एक टुकड़ा तुम्हें हरा सकता है। वेजिटो को वापस ठीक होता देख वो डीवन एकदम से दुखी हो जाता है। वो डीवन बोलता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा बेकार था मिस्टर। वेजिटो और वो डीवन आमने सामने खड़े हुए होते हैं। वो डीवन बोलता है कि मैं तो बस तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था और तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा था,
पर तुम तो मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, जिस तरीके से मुझे बाकी सब छोड़कर जा चुके हैं। पर आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? वेजिटो बोलता है कि तुम मेरे पास आना चाहते थे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके की चीज़ को भी करोगे बच्चे। एक बारी जब मेरा मन तुमसे भर जाएगा तब मैं इस एक्टर को भी छोड़कर चला जाऊंगा। और तुम्हारी हरकतों को देखकर मुझे अब पता चल रहा है कि बाकी के लोग यहाँ से क्यों जा चुके हैं। तुम तो बहुत ही एक अजीब किस्म के शख्स हो, तुम मुझे एक मेंटल पेशेंट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं लगते। इस चीज़ को सुनकर वो डीवन एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो डीवन बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम अलग हो, पर तुम भी बिल्कुल बाकियों की तरह ही हो। आखिर तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते? तभी वो डीमन एकदम से अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर, पर वेजिटो उस अटैक को एकदम से डॉच कर देता है। वेजिटो बोलता है कि तुमसे प्यार करना, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें किस तरीके की थेरेपी की ज़रूरत है बच्चे, पर ये कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें हक करूँ तो। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है वैसे ही वेजिटो एकदम से अपना स्लेयर ब्लेड चला देता है, और वेजिटो का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो डीमन जगह जगह से कट गया रहता है। वेजिटो ने एक बार फिर से उस डीवन के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। उस डीवन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो डीवन बोलता है कि क्यों, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उस डीवन के बॉडी के चारों तरफ से खून निकल रहा होता है, और अपने इस तरीके की हालत को होता देख वो डीवन एकदम से गुस्से में आ जाता है। वो डीवन बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, अब तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी होगी। जैसे ही वो डीवन ऐसा बोलता है वैसे ही वो डीवन एकदम से चिल्लाने लग जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो डीवन किसी तरीके का अटैक करने वाला है वेजिटो के ऊपर। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि वो डीवन एकदम से अपना शेप चेंज करने लग जाता है। इस तरीके की चीज़ को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है। वेजिटो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये डीवन क्या करने की कोशिश कर रहा है। वेजिटो बोलता है कि ये बेवकूफ़ आखिर कर क्या रहा है, ये तो फिर से अजीब लग रहा है मुझे। और इसके ऐसा करने की वजह से इसका डिफेंस शायद कमज़ोर हो रहा है, पर फिर भी ये जो भी कर रहा है इसकी मदद से ये और भी ज़रा ताकतवर बनता जा रहा है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो डीवन क्या कर रहा था। उस डीवन ने अपना शेप पूरी तरीके से चेंज कर लिया होता है, एंड वेजिटो के सामने एक जाइंट हार्ट खड़ा हुआ होता है। उस जाइंट हार्ट का मुंह भी होता है जिसकी मदद से वो बात कर रहा होता है वेजिटो के साथ। वो जाइंट हार्ट वेजिटो से बोलता है कि मुझे देखो, तुम भी बिल्कुल बाकी कीड़ों की तरह ही हो, तुम भी बहुत ही जल्द गायब कर दिए जाओगे। इस तरीके के अटैक को अपने सामने देखकर वेजिटो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वेजिटो बोलता है कि क्या, सरा तुम रुको एक सेकंड। पर तब तक हम देखते हैं कि वो डीवन अटैक कर चुका होता है वेजिटो के ऊपर। उस डीवन का हाथ काफ़ी तेज़ी से वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है, और वेजिटो भी डिसबैलेंस हो चुका होता है, पर फिर भी वेजिटो बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। वेजिटो बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते बच्चे। वेजिटो अपने आप को स्लेयर ब्लेड के मदद से बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो अपने आप को उस जाइंट हाथ से नहीं बचा पाता। पर हम देखते हैं कि वो जाइंट हाथ एकदम से वेजिटो को आकर पटक देता है ज़मीन के ऊपर। और जैसे ही वो जाइंट हाथ वहाँ से हटता है हमें वहाँ पर सिर्फ तबाही तबाही दिखती है। पूरी तरीके से ज़मीन चटक चुका होता है, और वो डीवन फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका होता है। वो डीवन बोलता है कि बहुत अच्छे, स्टेप वन ख़त्म हो चुका है, अब तुम भी बहुत जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे मिस्टर, और तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वेजिटो बोलता है कि मैं बिल्कुल सही था, अगर मैंने इस डीवन के मूड को ख़राब किया तो इसका ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और अब जबकि वो हंस रहा है मेरे पास एक अच्छा मौका है इसे हराने का। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तभी वेजिटो एकदम से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, और वेजिटो देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ स्केलेटन पड़े हुए होते हैं। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये किन लोगों का स्कल है, आखिर यहाँ पर इस बच्चे के आने से पहले कौन रहा करता था, क्या डीवन राइम पर भी कोई अलग स्पीशीज रहते थे डीवन के आने से पहले। तभी वेजिटो एकदम से एक स्कल को उठाता है, और जैसे ही वेजिटो उस स्कल को उठाता है वेजिटो को पता चल जाता है कि आखिर ये स्कल किसका है। वेजिटो बोलता है कि इनके स्कल में हॉर्न लगा हुआ है, इसका मतलब ये डीमंस है, और वो बच्चा मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था, यहाँ पर कुछ और डीमंस भी रहा करते थे। पर आखिर कैसे इन लोगों की मौत हो गई और यहाँ पर दफना दिए गए, जबकि ये यहाँ पर अभी भी मौजूद है। वेजिटो एकदम से उस कल को तोड़ के रख देता है, और फिर से वेजिटो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, और एक बार फिर वेजिटो और उस डीमन के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ फिर से काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, और जैसे ही वेजिटो उस डीवन तक पहुंचता है वेजिटो एक अटैक कर देता है उस डीवन के ऊपर। पर एक बार फिर वो डीवन अपने आप को लिक्विड में बदल देता है और वेजिटो का अटैक बेकार हो जाता है। वो डीवन बोलता है कि मुझे माफ़ करना मिस्टर, मुझे लगता है कि मैंने फिर से तुम्हारे अटैक को बेकार कर दिया, और जैसा कि तुमने कहा है कि तुम मेरे साथ रुकना नहीं चाहते,
तो इसीलिए मुझे तुम्हें स्टेप टू के लिए तैयार करना होगा। वेजिटो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में लग रहा होता है। वेजिटो के चारों ओर से ब्लड निकल रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि स्टेप टू, आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम इसी तरीके से फाइट करते हो? ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे अकेलेपन के बारे में याद दिलाऊं बेवकूफ़? और तुमसे लड़ते लड़ते मुझे पता चल रहा है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि वो सब तुम्हारी लड़ाई के तरीके को देखकर बोर हो चुके होंगे और इसीलिए वो लोग मारे गए। और इस तरीके की चीज़ को वेजिटो के मुँह से सुनकर वो डीवन फिर से गुस्से में आ जाता है। और जैसा कि वेजिटो को भी पता है कि अगर वो इस डीवन को गुस्सा दिलाता है तो ये डीवन कुछ अनोखी चीज़ें करता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में बिल्कुल ऐसा ही होता है वेजिटो के साथ। वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है और वो डीवन काफ़ी ज़रा नज़दीक आ जाता है वेजिटो के। वो डीवन एकदम से नाइफ से अटैक करने वाला होता है वेजिटो के ऊपर, पर वेजिटो अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। वेजिटो को बस हल्का सा कट लगा हुआ होता है नाइफ का, और जिसके वजह से वेजिटो के मुँह से खून निकल रहा होता है। पर वेजिटो ने अपने गर्दन को कटने से बचा लिया होता है, जिसके वजह से वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा निशाना चूक गया, मुझे माफ़ करना, तुम्हारा ये ट्रिक फिर से नहीं काम करने वाला। तुमने शायद एक ही बार मेरा सिर धड़ से अलग किया होगा, पर दोबारा मैं तुम्हें ये मौका नहीं देने वाला। तभी वो डीवन बोलता है कि मेरा अटैक मिस हो गया, ये तो काफ़ी अजीब बात है मिस्टर। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें जिस पोजीशन पर लाना चाहिए था, मैंने बिल्कुल तुम्हें उसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी के साथ स्टेप टू पूरा हुआ। इस चीज़ को सुनकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि ज़रा रुको। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के जिस जगह पर कट लगा हुआ होता है उस जगह के अंदर खून जाने लग जाता है, और वो खून और किसी का नहीं बल्कि उस डीवन का होता है। उस डीवन का खून काफ़ी तेज़ी से वेजिटो के बॉडी के अंदर जा रहा होता है, और इस चीज़ को वेजिटो भी समझ जाता है। वेजिटो बोलता है कि जल्दी से इस कट को ठीक करो, और धीरे धीरे बुक के एबिलिटीज़ की मदद से वेजिटो उस कट को पूरी तरीके से ठीक करने में कामयाब हो जाता है। पर वेजिटो को भी पता चल गया रहता है कि वो इसमें लेट हो चुका है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, आखिर उसने मेरे साथ ये क्या किया, मैं कुछ अलग तो फील नहीं कर पा रहा हूँ। इस चीज़ को देखकर वो डीमन हंस रहा होता है, और वो डीमन एकदम से अपने पीछे के दो आर्म को भी छुपा लेता है। वो डीमन बोलता है कि मुझे लगा ही था कि इस लड़ाई का अंजाम ऐसा ही होगा, मुझे लगता है कि मुझे कभी दोस्त बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम अभी जा सकते हो गॉड किलर यहाँ से, बिल्कुल उन कीड़ों की तरह जिनसे तुम अभी अभी मिले। वेजिटो बोलता है कि मैं छोड़कर जा सकता हूँ? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है बच्चे? मैं इस सेक्टर को छोड़कर तभी जाऊँगा जब तुम मारी जाओगे। तो आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और कीड़े जिनसे मैं अभी मिला, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है बच्चे? क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? तुम सच में एक मेंटल पेशेंट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो। और तुम्हें पता है क्या, अब मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। लड़ना है तो मर्द की तरह लड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से मिटा कर रख दूंगा। जैसे ही वेजिटो ऐसा बोलता है, वैसे ही वेजिटो एक अटैक करने वाला होता है उस डीवन के ऊपर। पर जैसे ही वेजिटो उस डीवन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है। वेजिटो देखता है कि उसके हाथ से एनर्जी अटैक निकलता ही नहीं है, और वेजिटो इस चीज़ को देखकर समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। वेजिटो बोलता है कि नहीं, उसका ब्लड मेरे अंदर था, क्या उसने इसीलिए ऐसा किया? वेजिटो अपने दोनों हाथों को देख रहा होता है, और वेजिटो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उस बच्चे ने किया तो किया क्या। वेजिटो बोलता है कि बच्चे, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर उस डीवन ने वेजिटो के साथ किया तो किया क्या। वेजिटो की आंखें भी उस डीवन की तरह हो जाती है, और इस चीज़ को देखकर वेजिटो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ वो डीवन हंस रहा होता है। वो डीवन बोलता है कि मुझे काफ़ी दुख होता है जब लोग मुझे छोड़कर जाते हैं, पर मौत से पहले तुम्हारे आवाज़ में उस दर्द को सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये मेरी और मेरे जैसे ब्लड डीमंस की स्पेशल एबिलिटी है। तभी वेजिटो को एकदम से मकुटो याद आने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि ब्लड डीमन, और हमें भी बहुत अच्छी तरीके से याद है कि मकुटो ने आखिर किस तरीके से झीरिन और हिट के बॉडी के ऊपर कब्जा किया था। वो डीवन बोलता है कि तैयार हो जाओ बाकी लूजरों का साथ देने के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारा स्केलेटन किस तरीके का दिखेगा, और इस चीज़ को देखने मैं कुछ साल बाद ज़रूर आऊँगा। तभी वो डीमन एकदम से अपना हाथ आसमान की तरफ करता है। जैसे ही वो डीमन अपना हाथ आसमान की तरफ करता है, वैसे ही वहाँ का सॉइल एकदम से वेजिटो की तरफ आने लग जाता है, जिस चीज़ को देखकर वेजिटो हैरान रह जाता है। साथ ही में वेजिटो हिल भी नहीं पा रहा होता। वेजिटो बोलता है कि आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? और देखते ही देखते वेजिटो एकदम से मिट्टी के ढेर में कैद हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हो सकती। वो डीवन बोलता है कि एक और दिन और एक और गुड बाय, मैंने तुम्हें काफ़ी मौके दिए थे मेरे साथ बात करने के लिए, और अगर तुम एक अच्छे इंसान होते तो शायद मैं तुम्हें खुद को मारने भी देता, पर अब क्या कर सकते हैं, मुझे फिर से 100 सालों का इंतज़ार करना होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा।
अलविदा मेंटल पेशेंट। उस स्टीवन के मुंह से ये शब्द निकला ही हुआ होता है कि तभी वो मिट्टी का ढेर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही वो मिट्टी का ढेर ब्लास्ट होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि चारों तरफ वेजिटो का खून गिर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से खून की बारिश हो रही है। और इसके बाद हम एक दूसरे जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर मिट्टी से एक हाथ बाहर आ रहा होता है और साथ ही में हमें एक शख्स का चेहरा भी दिखता है। ये शख्स अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और इस शख्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये शख्स बोलता है कि अल्कोलीफिला। इस शख्स के बॉडी के चारों ओर से खून निकल रहा होता है और इस शख्स का ये हाथ भी कट चुका होता है। आखिर ये शख्स है कौन और आखिर इसकी ये हालत किसने की, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।